अब खबर सिंगरौली से है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सरकारी विद्यालयों को पठन पाठन के लिए खोल दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंगरौली जिले के गुंदवाली शासकीय पूर्व विद्यालय में सरकारी किताबों पर एक बड़ी खेप स्कूल से कबाड़ी को बेचने का मामला सामने आया। इन किताबों को स्कूल से निकालकर कबाड़ी के पास बेच दिया और इसे कबाड़ी अपने कबाड़ की दुकान में ले गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उधर वीडियो के वायरल होने के बाद विभागीय अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पांडे का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला सिंगरौली जिले के गुंदवाली गांव में स्थित सरकारी स्कूल का है, जहां गुरुवार को स्कूल के कर्मचारी ने सरकारी किताबों को एक कबाड़े के पास बेच दिया। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो ग्रामीणों से ही बहस करने लगा। जिस कर्मचारी ने किताबें बेची है फिलहाल उसका पता नहीं लग सका है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग अधिकारी ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की बात कही है, लेकिन सवाल ये है कि बिना स्कूल प्रबंधन की सहमति के कोई भी कर्मचारी स्कूल से किताबों को कबाड़ में कैसे बेच सकता है।